ओल्ड एज के अंदर घुटने में दर्द चालू हो जाता है और कई बार घुटने टेढ़े भी हो जाते हैं। नॉर्मल चलना भी बड़ा मुश्किल होता है, लिम्प करके चलते हैं, टेढ़े चलते हैं, कई सारी अलग अलग तरह की गेट्स डेवलप हो जाती है। तो आखिर उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम इसी बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ टीम ऑर्थोस्पोर्ट्स। सो हमारे घुटने के ऊपर कार्टिलेज की एक कवरिंग रहती है जो इसको स्मूथ बनाती है। अब वो कार्टिलेज की कवरिंग फीमर के ऊपर भी होती है, टीबिया के ऊपर भी होती है और पटेला के ऊपर भी होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वो कार्टिलेज घिसने लगता है तो हमारा घुटना खराब होने लगता है, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। और इनिशियली दर्द होता है, कट कट की आवाज़ आती है, फिर धीरे धीरे हमारे घुटने टेढ़े होने लगते हैं, डिफॉर्मिटी आने लगती है। अगर आप शुरू से ही एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अपना वेट आपने मेंटेन कर रखा है और घुटना बचाने की अलग एक्सरसाइज होती है, नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं होती। सो अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट ने सिखाई है कि भाई नी रिप्लेसमेंट बचाने की कौन सी एक्सरसाइज है, तो वो आप इनिशियल डेज से ही कर रहे हैं अपनी यंग ईयर से, सो घुटने नहीं घिसते। उस कंडीशन में अगर पेशेंट हमारे पास आता है उस स्टेज के अंदर जिसमें ग्रेड 1 या 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो मतलब ज्यादा कार्टिलेज नहीं घिसा, इस कंडीशन में हम इंजेक्शन लगा के प्लेटलेट डिस्प्लाज्मा ACP के कार्टिलेज को रीजनरेट करते हैं। अगर पेशेंट आता है जिसके अंदर ग्रेड 3 या 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है, कि पूरी तरह से कार्टिलेज इरोड हो चुका है, तो नीचे से बोन दिख रही है, साथ में डिफॉर्मिटी भी आ गई है, बहुत ज्यादा लंबा वेट करने से और प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। क्या क्या प्रॉब्लम बढ़ सकती है? मोस्टली लोगों के मीडियल साइड पहले घिसने लगता है, इसका मीडियल साइड कार्टिलेज जल्दी घिसने लगता है एज कम्पेयर टू लेटर साइड मोस्ट ऑफ द पीपल। तो जो पांव होते हैं वो इस तरह से टेढ़े होने लगते हैं। अब अगर आप इस स्टेज में सर्जरी नहीं करा रहे हो और बहुत लंबे समय तक वेट कर रहे हो कि डर लग रहा है सर्जरी का, तो 3-4 प्रॉब्लम्स हो रही है। ये जो बाहर का लिगामेंट है LCL वो लंबा हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, और जो MCL है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब जब सर्जरी के टाइम पे जब इसको ठीक किया जाएगा, इसमें नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है, बेसिकली सर्जरी में ऊपर का जो कार्टिलेज है उसको शेव ऑफ कर दिया जाता है और उसकी जगह स्टील का कार्टिलेज लग जाता है। इसी तरह से जो नीचे का टीबिया है उसका भी कार्टिलेज शेव ऑफ करके वहां पर स्टील की प्लेट लग जाती है, टीबियल प्लेट, और इन दोनों के बीच में आते हैं स्पेसर। जितना ज्यादा मेरा LCL स्ट्रेच्ड आउट होगा, जितना मैं ज्यादा टेढ़ा पैर करके आऊंगा, उतना बड़ा स्पेसर लगाना उसको बैलेंस करने के लिए, उतना मुझे MCL इरेज करना पड़ेगा। जितना बड़ा स्पेसर लगेगा उतना डिफिकल्टी होगी रिहैबिलिटेशन में, उतना ही कम इम्प्लांट चलेगा। तो आपको मालूम है कि ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आपको पेन किलर्स खाने की जरूरत पड़ रही है नॉर्मल डेली एक्टिविटीज में, तो वो करेक्ट टाइम है कि आप नी रिप्लेसमेंट करवाएं। नी रिप्लेसमेंट बहुत ही एडवांस टेक्निक से होता है, बहुत एडवांस इम्प्लांट्स आते हैं, जिरकोनियम कोटिंग आती है जो अप टू 25 इयर्स तक चल सकता है। ज्यादा लेट करेंगे तो रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं आएंगे और वो उतने लंबे समय तक चलेगा। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है या नहीं है, बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है मेरा नी, कौन सा इम्प्लांट सबसे अच्छा है, तो आप हमें अपने एक्सरे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसकी डिटेल में इस तरीके के मैं बताऊंगा कि सबसे बेस्ट इम्प्लांट कौन सा रहेगा। एक बार आपका नी रिप्लेसमेंट हो गया तो आपको 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटल में रखा जाता है, जिसमें पेन मैनेजमेंट होता है। आपको नेक्स्ट डे से ही चलने की सलाह दी जाती है वॉकर के साथ। अगर दोनों पैरों का रिप्लेसमेंट हुआ है तो लगभग 1 महीना पेशेंट वॉकर पे चलता है, फिर वो नॉर्मल चलने लग जाता है। एक्सरसाइजेस का बहुत बड़ा रोल है, तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको हर वीक कॉल करते हैं और फोन पे एक्सरसाइज सिखाते हैं। अगर आप इजीली फॉलो कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट घर पे भी आके एक्सरसाइज सिखा सकते हैं। लगभग 1 से 1.5 महीने में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मली चल पाता है, उसकी डिफॉर्मिटी भी ठीक हो जाती है, उसका पैर भी सही हो जाता है, उसको दर्द भी नहीं होता।